नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डेली टिप्स में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर के केतली और ये थर्मोस्टील फ्लास्क को साफ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरा एक फ्लास्क है जिसमें कि हमारे घर में गर्म पानी रखा जाता है सर्दियों में, और जिसकी वजह से इसमें ये देखिए कैसी स्केलिंग हो गई है चारों तरफ। आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें 24/7 गर्म पानी भर के रखा जाता है हमारे घर में ठंड के टाइम पर, तो इसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी गंदा हो जाता है। जबकि ये डेली पानी जब ये खाली हो जाता है इसमें, तो इसको पहले साफ़ किया जाता है उसके बाद रखा जाता है, उसके बाद भी ये स्केलिंग हो जाती है। तो आप अगर चाय भी इसमें रखते हैं या कॉफ़ी रखते हैं तो इस तरीके का दाग पड़ सकते हैं आपके फ्लास्क में, तो इनको साफ़ करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी एक ट्रिक जिसकी वजह से आप इस तरीके की स्केलिंग को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ये फ्लास्क को साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है जिसको कि हम मीठे सोडे के नाम से भी जानते हैं, ये खाने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको बेकिंग सोडा लेना है, आपको 2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा लेना है। आप देख रहे हैं ये बड़ा चम्मच है, तो मैंने इसमें ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। अभी मैं इसमें ये दूसरा चम्मच डाल रही हूँ। और उसके बाद आपको लेना है विनेगर, जो कि वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका भी इसको बोलते हैं। बहुत ही आसानी से ये आपको ग्रॉसरी स्टोर्स में मिल जाएगा, इसका यूज़ हम चाइनीज़ डिशेस बनाने में भी करते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा में बहुत अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको कि हम बर्तनों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर और भी क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कंटेनर्स वगैरह। और विनेगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, तो दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला हुआ है, अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। ये देखिए दोस्तों कैसे फ्रिज हो रहा है ये, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, जैसे कि अब ये सेटल हो गया है, आप देख रहे हैं सारी जो इसमें फ्रिज हो रही थी वो ख़त्म हो गई है, जो भी बबल्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब स्टेज पे आपको ऐड करना है इसमें खौलता हुआ गर्म पानी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर तक गर्म पानी भर दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी करीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके फ्लास्क या केतली में बहुत ज़्यादा स्केलिंग है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका लिड नहीं बंद करना है, मतलब कि ये लिड नहीं बंद करना है और ना ही ये स्टील कैप लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, बस इसको ओपन ऐसे ही छोड़ देना है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेकिंग सोडा और विनेगर बहुत ही एसिडिक इन नेचर होते हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बहुत तेज़ी से फ्रॉथ हो सकता है। तो इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड आप इसको ओपन ही छोड़ दीजिए, बंद मत कीजिए। तो मैं इसको अनटच्ड ऐसे ही रखा रहने दूंगी, आपको इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, आपको इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर कम स्केलिंग है, ज़्यादा है, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं इस पानी को एक अलग बर्तन में निकालूंगी। अब हम इसको एक किसी बॉटल ब्रश की मदद से साफ करेंगे। मार्केट में बहुत सारे ब्रश मिलते हैं बॉटल साफ करने के लिए, तरह तरह के ब्रश मिलते हैं, मेरे पास इस तरीके का ब्रश है, मैं इसका यूज़ करूंगी अपने बॉटल को साफ करने के लिए। तो आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट ले सकते हैं या फिर आप डिश वॉश सोप ले सकते हैं। अब मैं इस बॉटल को साफ करूंगी। अब इसे पानी से धो लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज्यादा स्केलिंग थी, गंदगी थी चिपकी हुई इसमें, सिर्फ पानी की थी। मैं इसमें चाय या कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं रखती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ठंड में मैं इसमें गर्म पानी रखती हूँ, 24/7 रखती हूँ। लेकिन सिर्फ आधा छोटा कप वाइट विनेगर और 2 चम्मच बेकिंग सोडा की मदद से मैंने इस पूरी बॉटल को क्लीन कर दिया है हर तरफ से। आप ये देख रहे हैं,
ये हर तरफ से बिल्कुल क्लीन हो गई। मैं आपको घुमा घुमा के भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को यकीन हो जाए। ये देखिए बॉटम में ही आपको दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी थी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, और अभी वो एकदम साफ हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के फ्लास्क और केटल्स को साफ रख सकते हैं, हमेशा चमचमाता हुआ बनाकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके केटल में या फिर आपके बॉटल में बहुत ज्यादा स्केलिंग है या बहुत ज्यादा गंदगी है, तो आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 बार किया है और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगले अपलोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में एक नई टिप के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डेली टिप्स। बाय बाय।